अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेट रूम में जाती है जहाँ वो एक इन्विटेशन कार्ड देखती है जो उसके और पावी के लिए आया होता है, पर पावी ने उससे वो छुपा कर रखा। पावी रूम में आता है और नित उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ इस वेडिंग में जाऊंगी। पावी, तुम वहां नहीं जाओगी, वैसे भी तुम्हें वहां कोई नहीं जानता। नित उसे परेशान करती है बार बार ये कहकर, मैं तो जाऊंगी। तो पावी उसे वॉल की साइड पुश करता है और कहता है, तुम नहीं जाओगी। नित नर्वस हो जाती है और पावी को खुद से दूर करके कहती है, मैं जरूर जाऊंगी। पावी को नित पर बड़ा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे नित और पावी वेडिंग में जाने के लिए रेडी होते हैं। नित इतनी प्रिटी लग रही होती है कि पावी उसे देखता ही रह जाता है। रूंग पावी को धक्का देकर नित के पास जाती है और कहती है, तुम ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी की ब्यूटी की तरह लग रही हो और ये पावी बीस्ट की तरह। पावी, मॉम आप तो नित की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, वो हर रोज की तरह ही लग रही है। देन दोनों वेडिंग में पहुंचते हैं। वेडिंग में पेन बेन के साथ आई हुई थी। पावी पेन से जाकर मिलता है। पेन, पावी तुम इतना लेट क्यों आए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। नित पावी का हाथ पकड़कर कहती है, पावी लेट मेरी वजह से हुआ क्योंकि मुझे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगा ना। पेन, तुमसे किसने पूछा। नित, किसी ने नहीं, पर तुमने मेरे हस्बैंड से पूछा जो कि मुझसे ही रिलेटेड है। देन पेन पावी को लेकर अकेले में चली जाती है और कहती है, मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे घर छोड़ने चलो, और नित टैक्सी से घर चली जाएगी। पावी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ जाते हुए देखा तो क्या कहेंगे। पेन, तुम बस एक्सक्यूज बनाते रहो। पावी, ऐसा नहीं है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं और पेन और पावी वहाँ से चले जाते हैं। देन पावी और नित वापस घर जाते हैं। पावी उससे कहता है, तुम आज के बाद कहीं जाओ तो मेरी रेपुटेशन का ध्यान रखना। नित, तुमने कौन सी मेरी रेपुटेशन का ध्यान रखा, तुम भी तो पेन के साथ चले गए थे ना। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और नित बीच रास्ते में ही कार से उतर जाती है। कार से उतरते ही कोई बाइक वाला नित को हिट कर देता है, जिससे वो गिर पड़ती है और उसके पैर में लग जाती है। पावी लौटकर नित के पास आता है। इस बार वो उससे लड़ता नहीं है बल्कि उसकी हेल्प करता है। वो उसे कार में बैठाता है और फिर हॉस्पिटल ले जाता है। ट्रीटमेंट के बाद पावी नित को लेकर घर पहुंचता है। नित अपनी ड्रेस अनजिप नहीं कर पाती तो वो वही ड्रेस पहनकर सोने लगती है, पर पावी उसे उसी ड्रेस में सोने से मना करता है क्योंकि उसमें वो कंफर्टेबल नहीं होगी, और वो उसकी ड्रेस अनजिप करता है। उस टाइम दोनों ही नर्वस होते हैं। फिर पावी उसे उठाकर वॉशरूम तक लेकर जाता है और चेंज करने के बाद वापस बेड पर बिठाता है। नित के सो जाने के बाद पावी उसके पास ही बेड पर सोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नित अपने पास पावी का ब्लैंकेट देखती है तो उससे पूछती है, कल तुम बेड पर सोए। पावी, हाँ ये मेरा रूम है तो मैं कहीं भी सोऊं। वैसे क्या मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर जाऊं। नित, कोई जरूरत नहीं है। पावी, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। नित के एक्सीडेंट की बात पैट को पता चलती है और वो एडिटर को बताती है। एडिटर नित के लिए परेशान हो जाते हैं और वो पैट के साथ उससे मिलने जाने का प्लान बनाते हैं, पर ये प्लान बेन सुन लेती है। इधर पावी रेस्टोरेंट में पेन से मिलता है। पेन उससे कहती है, तुम्हें पता है बेन बहुत अपसेट है। बेन और मेरी कंडीशन सेम है क्योंकि नित ने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया और बेन का भी। तुम्हें पता है आज एडिटर नित से मिलने तुम्हारे घर जा रहे हैं। एडिटर और पैट नित के घर पहुंचते हैं। सबसे पहले वो रूंग से मिलते हैं। रूंग अच्छे से उनका वेलकम करती है और फिर उन्हें नित से मिलवाने ले जाती है। वो सभी साथ में लंच करते हैं। रूंग को भी उन सब के साथ बहुत अच्छा लगता है। शाम को पावी वापस घर आकर नित से पूछता है, घर पर कौन आया था। नित, जिसने तुम्हें ये बताया उसी से पूछ लो ना। पावी, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। नित, जिसने तुम्हें सब बताया है। पावी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जब तक मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, एस्पेशली मेरे फ्रेंड को लेकर। नित उससे पूछती है, क्या तुम जेलिस हो रहे हो। पावी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नित, तो तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो, मैं भी तो तुमसे कुछ नहीं कहती जब तुम पेन से मिलते हो। पावी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे पेन के साथ देखकर जेलिस होती हो। नित, जैसा तुम्हें सोचना है सोचो। पावी उसे बेड से उठाता है और इसी खींचतानी के बीच नित गिर पड़ती है और उसके पैर में फिर से लग जाती है। पावी उसे सॉरी कहता है और उसके पैर में मसाज देता है, पर नित उससे गुस्सा ही होती है। देन रूंग आकर पावी से कहती है, अब से नित उसके साथ ही कंपनी में वर्क करेगी। पावी, मॉम ऐसा नहीं करना, मैं इसे और ज्यादा झेल नहीं सकता। नित, मॉम मुझे आप थोड़ा टाइम दो, मैं अभी अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहती। रूंग, ठीक है। इधर कौन नी को फिर से परेशान करती है, मेड से कहकर फोन करवाती है
कि उसका बेबी डिसेबल होगा और किसी मैन को हायर करके उसके घर पर प्लास्टर फिकवाती है। नीत सबसे बहुत दुखी हो जाती है और नीत को सारी बात बताती है। नीत एडिटर और पैट के साथ नी के पास पहुंचती है। एडिटर कहते हैं कि जो नी को परेशान कर रहा है उसकी हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। नी, पर हमारे पास एविडेंस नहीं है। नीत, इस मैटर को तो मैं हैंडल करूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नीत एडिटर के साथ पेन के ऑफिस में जाती है और कहती है, मैं यहाँ तुम्हें कहने आई हूँ कि तुम मेरी बहन को बुली नहीं करो। मैंने तुम्हें कभी बुली नहीं किया, इसलिए तुम अपनी फैमिली और फ्रेंड सबसे कह देना कि वो नी को बुली ना करे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पेन को सुनाकर नीत वहाँ से चली जाती है और पेन चिल्लाती रह जाती है। और फिर पेन अपना गुस्सा असिस्टेंट पर निकालती है। असिस्टेंट पावी के असिस्टेंट को इन्फॉर्म करती है और वो जाकर पावी को बताती है कि नीत पेन के ऑफिस गई थी और उसे बहुत परेशान किया। पावी का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा सा होता है, जैसे अब वो इन वुमेन के रोज रोज के झगड़ों से थक चुका है। पेन पेरुट से कहती है कि वो नी और नीत को इतनी मनी ऑफर करे कि नीत पावी को डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाए। पेरुट, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। नेक्स्ट डे अपना मूड ठीक करके पेन नीत से पैसे के बारे में बात करने के लिए उसे फोन लगाती है, पर नीत कॉल रिसीव नहीं करती। अब जब नीत से बात नहीं हो पाती तो वो पावी को घर पर बुलाती है और कहती है, तुम नीत से डाइवोर्स की बात करो और उसे बहुत सारे पैसों का ऑफर दो। पावी, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। घर पहुंचकर पावी नीत से कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए? नीत, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं और मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर खुश नहीं रहने दूंगी। पावी पेन को बताता है नीत उसे डाइवोर्स देने को तैयार नहीं है। तो पेन पेरुट को लेकर नी के पास जाती है और कहती है, डैड तुम्हारे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, बस तुम नीत को कहो कि वो पावी को डाइवोर्स दे दे। नी, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने बेबी को उसके डैड के बिना ही रेस करने की सोच ली है, और रही नीत के डाइवोर्स की बात तो वो उसका डिसीजन खुद ही ले लेगी। पेन फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है पर हार नहीं मानती। वो नीत के पास जाती है और उसे पावी को डाइवोर्स देने के लिए 20 मिलियन ऑफर करती है। नीत कहती है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है क्योंकि मैंने मिलियनेयर से शादी की है, मैं तो डाइवोर्स जब दूंगी जब मेरा मन होगा, और अभी मेरा मन नहीं है। तभी एडिटर वहां आते हैं तो पेन वहां से चली जाती है। घर जाकर नीत पावी को बताती है कि पेन ने उसके लिए मुझे 20 मिलियन देने को कहा है। पावी, तो क्या तुम डाइवोर्स देने को तैयार हो? नीत, नहीं, मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। पावी, मैं तुम्हें अपने पैसे नहीं दूंगा। और अगेन उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बार नीत से झिलता नहीं है और वो रोने लगती है। पावी, तुम रो क्यों रही हो? नीत, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दो जो आज तक तुमने मुझे नहीं दी। इसके बाद पावी नीत से कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे ऑफिस में पावी नीत के बारे में ही सोच रहा था, उसे लगता है उसने उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं दी। तभी उससे मिलने पेन आती है, मिलने कम नीत के बारे में रिपोर्ट करने ज्यादा। पावी से कहती है, तुम्हें पता है नीत और एडिटर बहुत क्लोज आ रहे हैं। नीत डेली लंच के लिए एडिटर के साथ जाती है। पावी सच जानने के लिए नीत की वर्क प्लेस पर जाता है और छुप कर वो नीत को एडिटर के साथ लंच पर जाते हुए देखता है। वो डिसाइड कर लेता है कि वो नीत को एडिटर से दूर करके ही रहेगा। पावी सारनाथ को कॉल करता है और कहता है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं नीत को कंपनी आकर हेल्प करने देना चाहता हूँ। सारनाथ, ठीक है। देन पावी सोचता है, अब देखना नीत कौन किसके अगेंस्ट जीतता है, मैं या तुम। और इसी के साथ पार्ट 18 एंड होता है।